सो हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ न्यू इन माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रिजन एस्केप इन माइनक्राफ्ट, और तुम लोगों को पता है कि इसके लिए कितना बड़ा दिमाग चाहिए, जो कि अपने पास है तो हमें कोई मुश्किल होने नहीं वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो तुम लोग देख रहे हो इधर मुंह पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रिजन में ये एस्केप करने से नाकामयाब हो गया था, तो इसका ये हाल हो गया, तो हमारा भी ये हाल हो सकता है। तो यूट्यूबर्स ओनली के लिए एक स्पेशल गेट बनाया हुआ है गाइज, और यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, डू नॉट चीट, इट्स नॉट एज हार्ड एज इट सीम्स, रूल टू हैव फन फॉर लॉन्ग टाइम, यस, रूल थ्री, गुड लक, रूल फोर, स्ले इन पीपल मोड, स्टे इन एडवेंचर और ट्राई एंड एस्केप। ओके, तो हम बहुत ज़्यादा प्रो हैं, तो हम तो आसानी से निकल जाएंगे इधर से। इधर लिखा है यूट्यूब ओनली का गेट है, तो हम इसके अंदर जाएंगे, बिकॉज गाइज हम यूट्यूबर हैं। और इधर लिखा हुआ है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्लैप दैट बेल। तो गाइज करो, जल्दी से करो उसको, करो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये दबाया बटन और ये मैं पहुंच गया, और ये मैं किधर पहुंच गया। ओ भाई भाई भाई, कितना ही मस्त इंट्रो दिया है इन्होंने, मतलब शेडो फिर बाद में ऐसा ऐसा सब कुछ नज़र आया, कितना मस्त दिया है। तो तुम लोग देख रहे हो मैं एक प्रिजन के अंदर कैद हो चुका हूँ, और यहाँ से मुझे ना इस्केप करना है। तो सामने कोल्ड्रन पड़ा है जिसके अंदर हम हगते हैं रोज़, और ये हग हग के ना फुल हो चुका है। तो हॉपर पड़ा हुआ है इधर, ये भी टॉयलेट जैसा लग रहा है, जिसके अंदर ये कुलुगिंग डैट जो भी पड़ा हुआ है। ओके, तो इसका मैं क्या करूँ, आई थिंक इस सारे को ले लेता हूँ, कोई ना काम होगा। ओ भाई, कुछ हुआ, अरे क्या हुआ, लेकिन ये भी समझ लगी ना, हुआ क्या आखिर। फिर से करते हैं, अंदर डाल के देखते हैं सब कुछ। अबे कुछ हुआ, कुछ तो हो रहा है गाइस, कुछ तो हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अबे इधर भी कुछ नहीं है, तो कर क्या रहा हूँ मैं, फिर से निकालता हूँ, और आई थिंक फिर हो जाए। हो, ये घूमता भी है। ओके, तो जल्दी से निकालते हैं। ओ भाई, कुछ हुआ सर, कुछ तो हो रहा है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। मैं आसपास हर जगह देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ओ भाई इधर चेस्ट है। अरे तो इस तरह जाके हम चेस्ट ले सकते हैं। इधर मुझे मिला है स्टिक, स्टिक का मैं क्या करने वाला हूँ, वाइट स्टेंड ग्लास को मैं तोड़ सकता हूँ इससे। ओके, तो इससे मैं वाइट स्टेंड ग्लास को तोड़ सकता हूँ, इसको नहीं तोड़ पा रहा। ओके, ओ भाई ये रहा। ओके, तो इसे तोड़ दिया, और इसे भी तोड़ दिया। ओ भाई, ये भी टूट गया। और भाई, ओ ये तो टूट गया और अंधेरा हो गया। इधर कोई शल्कर बॉक्स था, और इधर मिल गया मुझे स्टोन पिकैक्स। ओ भाई देखो, आईक्यू चेक करो, मेरी आईक्यू चेक करो कितनी ज़्यादा है कितनी ही ज़्यादा है। तो मुझे मिल गया एक पिकैक्स, और अभी के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन ये नज़र आ रहा है तो ऑफकोर्स यही तोड़ना है। ओ भाई एस्केप, इतनी जल्दी एस्केप फ्रॉम अ रूम, ओ माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। तो हमने गाइस फाइनली रूम से तो एस्केप कर लिया, बट अभी हमें घर से एस्केप करना है, हमें अपने प्रिजन से एस्केप करना है। तो ये दूसरा वाला रूम है, और इस रूम में कोई भी कैद नहीं है, बस थोड़े से फूल पड़े हुए हैं, तो चलो सूंघ लेते हैं फूलों को जाके। आहा, बहुत अच्छी खुशबू है। तो इधर पता नहीं क्या चीज़ लगी हुई है, इसका मुझे नाम नहीं पता, अगर तुम लोगों को पता है तो जाओ कमेंट करो। ओके, तो हम अगले रूम में आ चुके हैं, अगले रूम को तोड़ के अंदर जाकर देखते हैं। अंदर भाई ये कुछ वूल लगी हुई है, जिसका कुछ भी मतलब, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर ये लगा हुआ है ग्लास, और गाइस ये टूट रहा है, तो आई थिंक इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ओके, तो इसे भी तोड़ देते हैं, और इसके अंदर से कुछ नहीं मिला है। ओके, ट्रोल्ड के ये वाला एक और गेट मिल गया, इसे भी तोड़ के देख लेते हैं भाई इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इसके अंदर मेरा दिल कहता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ओके, तो यहाँ भी रोशनी हो गया ऐसा, और ऊपर है भाई ग्लास, ये भी नहीं टूटता। मैंने समझा इसे तोड़ के मैं बाहर निकल जाऊँगा, तो थोड़ा सा आगे जाता हूँ, बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ पड़ा इधर सच्ची में। तो ओ भाई अंदर भी जगह है, अंदर जाकर देखते हैं, टूटा, और अंदर जाकर देखते हैं, तो इधर कोई तो जगह होगी इधर। ओ भाई ये मिला। ओके, इसे तोड़ के देखते हैं क्या मिलता है। ओके, इधर कुछ नहीं मिला, लेकिन इसमें कुछ मिलेगा पक्का। ओके, इसमें भी कुछ नहीं मिला, मतलब बेस्टी हो चुकी अपनी बहुत ज़्यादा। तो ओ भाई ये रूम है ना, ये काम का रूम है, तो जल्दी से इसे तोड़ते हैं, अंदर जाकर देखते हैं भाई, हमें दरवाज़ा बताओ। ओके, तो ये पज़ल है, आई थिंक इस पज़ल को ना हमने ऐसे सॉल्व करना है कि एक दरवाज़ा खुले। तो एज यू नो मैं बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव हूँ, और सब कुछ काट लेता हूँ बहुत ईजिली।
तो चलो करते हैं कुछ ना कुछ, तो कोई कोड वगैरह लगाते हैं। आई थिंक एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, नहीं एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। चलो ये अप्लाई करके देखते हैं। Week later. तो ओके गाइस, काफी ज्यादा खपने के बाद, काफी ज्यादा इन लीवर्स को खपाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। यस, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला, इतनी जल्दी पार्कर हमारा नहीं होने वाला, ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह पता था। तो कोई और तरीका हमें आजमाना पड़ेगा। तो ओके गाइस, मैंने शेडर्स ऑफ कर लिए, और शेडर्स ऑफ करने के बाद भाई क्या नजर आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर क्लियर, बिल्कुल मक्खन मक्खन नजर आ रहा है सब कुछ। तो ये ग्लास भी नहीं तोड़ सकता मैं। आई थिंक हर चीज़ को तोड़ने के लिए ना हमें एक टूल चाहिए। इस पार्कर तुम कह सकते हो एक किस्म का पार्कर है ये, तो इसके अंदर हमें कोई ना कोई तो टूल चाहिए ताकि हम एक स्पेसिफिक चीज़ को तोड़ सकें। तो ओके, मैं इधर आ चुका हूँ। और वन मिनट, वेट अ मिनट, इधर लिखा हुआ है स्टार्ट फिनिश। कुछ समझे तुम लोग? कुछ नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा। ओके गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मुझे क्या लग रहा है कि ये एक पैटर्न है हमारे लीवर्स का। देखो लिखा हुआ है स्टार्ट, मतलब इधर से स्टार्ट करो पढ़ना, और उधर से फिनिश करो, मतलब फिनिश कर दो उधर से। आई थिंक ये दो ऊपर है, ये दो नीचे हैं। ओ भाई, दो ऊपर हैं, दो नीचे हैं। आई थिंक गाइस ये लीवर का पैटर्न है, पहले वाले दो लीवर ऊपर, दो लीवर नीचे, एक नीचे एक ऊपर एक नीचे। अरे भाई भूल गया, फिर से दो लीवर ऊपर दो लीवर नीचे। ओके, तो पहले ये करते हैं जाके, दो लीवर ऊपर दो लीवर नीचे। तो दो लीवर ऊपर किए, एक लीवर पहले का नीचे, एक लीवर को नीचे। अगला वाला देखता हूँ आगे पैटर्न क्या है। गाइस आई होप ये वर्क करने वाला है। ओके, जल्दी से जाके ये भी कर लेते हैं इससे पहले मुझे भूल जाए। तो किधर था मैं? ओके, एक ऊपर एक नीचे दो ऊपर। ओके, तो आगे मुझे भूल चुका है, दो नीचे और एक ऊपर। ओ भाई, अरे 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 अरे, खुल गया खुल गया खुल गया। गाइस लिटरली सिंग, अगर तुम लोगों को ये वाला मूवमेंट पसंद आया है ना, मेरा ये वाली IQ इस्तेमाल जो मैंने की है, अगर ये पसंद आया है तो अभी तुम लोगों को लाइक हिट कर देना है, जल्दी से लाइक कर दो। ओके, तो इसके अंदर से क्या मिला है? शीयर्स मिले हैं जो कि वाइट स्टेन्ड ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं। तो जल्दी से शीयर्स का हम यूज़ कर लेते हैं और ये तोड़ लेते हैं। आई थिंक ये ब्लैक है, अरे यार ये ब्लैक है, क्या ही फजूल कर रहा हूँ, नहीं टूटने वाला आई थिंक। ओके, तो जल्दी से जाके इधर, टूट गया। ओ भाई टूट गया। ओ भाई स्केप हो गया, ये तो स्केप हो गया। अरे भाई मैं सीधा सामने भाग जाऊँगा, स्केप हो गया। अरे निकलना, अरे अरे निकल, अरे निकल जा यार तुझे खुद, अरे रिंग के निकल जा, क्या कर रहा है इन ट्रैप डोर्स को ओपन करने। ओ भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे 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 ये क्या हुआ, मेरे हाथ में फ्लावर्स आ गए, क्या बात है। अरे भाई दो दो फ्लावर्स आ चुके हैं, एक लाल कलर का फ्लावर है और एक पीला कलर का फ्लावर है। और इधर से निकलने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इधर से मेरे से नहीं निकलने जा रहा, क्योंकि यहाँ पर ये पड़े हुए हैं और मैंने तोड़ नहीं सकता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं। ओके, तो इधर आई थिंक मुझे इन्हें प्लेस करना है, अभी इन्हें प्लेस करना है ना इधर। तो इसे प्लेस किया, इसे प्लेस किया, कुछ खुला? कुछ भी नहीं खुला। अबे कुछ तो खुल जा। ओके, तो किधर से अभी ये पैटर्न है क्या? एक मिनट, दूसरे नंबर पे जा लो और फोर्थ नंबर पे है रेड। अभी ये भी हो सकता है। ओके, इसे इधर प्लेस किया और लाल वाले को इधर प्लेस किया, कुछ ओपन नहीं हुआ। ओके, कुछ ओपन नहीं हुआ। अभी साइड में पिंक वाला भी है। अभी पिंक वाला इधर क्या कर रहा है? पिंक वाले को इधर लगाओ। ओके, चल पहले मैं देख आता हूँ कि पिंक वाले को रखना किधर है। सारा पैटर्न उधर लिखा हुआ है, एंड पे। ओके, एंड पे मैं रख लेता हूँ वाइट वाला फ्लावर। ओके, अब तो खुल जाना चाहिए था गाइस, लेकिन अभी तक नहीं खुला। इसका मतलब है अब जो मेन काम है वो है फ्लावर्स को फाइंड करना। अब फ्लावर्स आई थिंक, ओ भाई इधर भी हैं। ओके, दो फ्लावर्स मुझे और मिल चुके हैं, एक है ग्रीन और एक है ऑरेंज वाला। थ्री नंबर पे था, भूल गया, इट्स ओके। तो जल्दी से रिप्लेस कर देता हूँ। अब बस सिर्फ और सिर्फ एक फूल रह गया और आई थिंक इसके बाद हमारा एस्केप होने वाला है। तो जल्दी से फूल ढूंढ लेता हूँ। ओके, इधर भी फूल नहीं है, इधर भी नहीं है। अबे यार, मतलब समझ नहीं लग रहा कि करूँ क्या, मतलब सिर्फ एक और एक पूर्ण रह गया। अबे साइड पे क्या था? ये इधर गड्ढा है आई थिंक गाइस। ओ भाई, अबे इधर गड्ढा था, मैंने देखा भी नहीं। अरे भाई मिल गया फ्लावर। ये फ्लावर नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी है हमारा मिशन कम्प्लीट हो गया। अरे यार मुझे वहाँ पर नज़र ही नहीं आया, लिटरली गाइस
इतनी देर तक मैं वहाँ घूमा हूँ ना, लेकिन मुझे वो किनारे पे ना जगह नज़र ही नहीं आई थी। मतलब बहुत ज़्यादा सही मैप बना है। लेकिन गाइस, अगर तुम लोगों को ये वाला मोमेंट पसंद आया है ना, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब ही ना किया तो गाइस बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। सब्सक्राइब तो अब कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। क्या होने वाला है, तो इसको मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ और बटन दब जाएं। तो गाइस फाइनली मैंने वो वाला दरवाज़ा खोल दिया है और अब ये वाला दरवाज़ा अनलॉक हो चुका है। तो जल्दी से इधर जाकर देख लेता हूँ क्या मिलने वाला है। ओके, तो इधर हमें चेस्ट मिल चुका है और चेस्ट के अंदर हमें मिल चुकी है एक स्टिक। तो स्टिक से आई थिंक हम लोग TNT तोड़ सकते हैं। ओके, तो गाइस TNT सारे टूट रहे हैं। तो सारे के सारे TNT टूट के मुझे मिल गया है अंदर एक और चेस्ट। और मुझे क्या लगता है इस चेस्ट के अंदर फ्लिंट होने वाला है। ओके, पिकेक्स मिली है। मुझे लगा था कि हम TNT से दरवाज़ा तोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। तो स्टोन से हम लोग मतलब, अरे ये टूट क्यों नहीं रहा, अबे कुछ भी टूट नहीं रहा। अरे ये पिकेक्स का काम क्या है फिर, अबे चेक करते हैं इस पिकेक्स का आखिर काम क्या है। ये तोड़ सकता है रेड सैंड स्टोन। तो मैंने कहीं पर रेड सैंड स्टोन तो देखी नहीं है। One week later. रेड सैंड स्टोन ये होता क्या है, पहले तो मुझे ये याद नहीं आ रहा। अभी अभी ये रेड है क्या, अबे ये रेड किधर से दिखता है, ये तो ऑरेंज है यार। आई थिंक गाइस यही रेड सैंड स्टोन है। ओके, तो यही था गाइस, मुझे पता नहीं था कि इसे रेड सैंड स्टोन कहते हैं, मैं तो इसे ऑरेंज कंक्रीट समझ रहा था। लोल, तो जल्दी से देख लेते हैं हमें क्या मिला। हमें मिला है एक अदद एक्स। तो इससे देखता हूँ क्या टूटने वाला है। वाटरमेलन टूट गया, टूट गया। ओके, पहली ट्राई में टूट गया, शुक्र है। इस बार हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब मिला नैदर रैक को तोड़ने के लिए, हमें एक और पिकेक्स मिल गया जिसे हम नैदर रैक तोड़ लेंगे। ओके, तो गाइस चेक कर रहे हो लोंडे की IQ कितनी ही ज़्यादा तेज़ है। तो मतलब एक सेकेंड में सब कुछ मैं पार कर जा रहा हूँ। अबे मेरी पिकेक्स किधर गई, एक मिनट गाइस, मैंने अभी अभी पिकेक्स इक्विप की थी आई थिंक, लेकिन वो गिर गई है। अबे ये रही, अभी मैं घूमने वाला था और फिर मैं सारी पिकेक्स से ट्राई कर रहा होता इधर बैठ के, और फिर मैंने कहना था भाई ये गेम ही ख़राब है। ओके, तो अब मुझे एक और पिकेक्स मिल चुका है। तो इस पिकेक्स से आई थिंक गाइस ये टूटने वाला है। ओके, तो फाइनली गाइस वक्त आ चुका है इस प्रिजन से एस्केप करने का। फाइनली काफ़ी देर बाद हमने प्रिजन एस्केप कर लिया है। तो गाइस इस बात पे ना लाइक हो जाना चाहिए और वीडियोस को शेयर कर दो जिनको माइनक्राफ्ट पसंद है या इस तरह की वीडियोस पसंद है। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करना चाहूँगा, तो भाई सीधी सी बात है, क्रिएटिव तो मैं नहीं करना चाहूँगा, हाँ स्पेक्टेटर में करना चाहूँगा ताकि मैं देख सकूँ ये वर्ल्ड आखिर बनाई कैसे है। तो वर्ल्ड गाइस बहुत ही ज़्यादा मस्त बनाई हुई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो पता है तुम लोगों को क्या करना है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को क्या करना है। ये बताएगा, अरे बताना क्या करना है। इस वीडियो को तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, तो गाइस बहुत गंदी मिमिक्री की। ओके देन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।